करेंगे वो कब से ये काम कर रहे हैं? इससे पहले क्या करते थे? बच्चे वगैरह क्या अकेले नहीं बहन भाई सारे लोग कर गए अकेले आप तो अकेले रह रहे हो पहले तो भाई वो कभी पूछते हैं पहले तो वो बाहर होते हैं तो आपके बाहर जाने का कोई नहीं वो बंदोबस्त वगैरह नहीं किया तो कोई तो आप जिस मकान में रह रहे हो वो कराए थे उसका मकान पंजाब में मकान तो वो दिल्ली के किराए वगैरह कब हो जाते नहीं नहीं वो जो दो हफ्ते तक था तो वो कश्मीर का था वो ये उसी का घर है उसके बच्चे वगैरह जो बच्चे हैं कौन नहीं है वो जान में काम किया वो जान में काम किया वो आदमी बड़ा ना तो आप भी सब लोग आज तो मैं कल मैं कहना नहीं करता हूँ मैं खुद को बस करना है कि आपके साथ हैं आप ये करते हैं आप तो जिस उम्र में आपको तो अगर सोच से बैठ गए तो आसानी से लोग पैसे भी दे रहे हम व्यक्ति भी करें ठीक है ना मेरे तो यही बात आपकी सबसे अच्छी लगी है कि इस उम्र में क्या पसंद लेकिन आए तो ऑफिस में मांगा नहीं मांगा नहीं आप भी मेहनत करते हैं दुकान भी तो बेसिकली आप इधर ही कभी मांगते हैं चलें आप अल्लाह को प्यारा हो गया अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक मकसद था जैसे कि एक अंकल की आपने बातें भी सुननी होंगी और सबसे पहले आपसे माज़रत करता हूँ कि हमारे पास ऑडियो क्वालिटी इस वीडियो की सही नहीं आई क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था और वहाँ पे शोर बहुत था बैकग्राउंड में भी तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियोस को तो वो इसी वजह से कहता हूँ कि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है कि इस चैनल का 50% हिस्सा का माइक है वो इन जैसे हकदार लोगों को मैं दूँगा ये आप चाचा जैसे कि आप बातें सुनो ये 72 ईयर्स के हैं 72 ईयर्स के इनको मैं आते जाते जब भी ऑफिस से आता जाता हूँ इनको मैं देखता रहता हूँ तो ये इसी तरह एक साइकिल पे ये सारी जो है ये चाबड़ी फरोश ये चन्ने काले चन्ने और निम्को वगैरह ये बेच रहे होते हैं अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते इन लोगों को इन जैसे लोगों को मेरा सलूट करने को दिल करता है जब भी मैं इन जैसे लोगों को देखता हूँ तो मैं इनको गले लगाता हूँ मैं इन लोगों को सलूट करता हूँ ये लोग वाकई हकदार हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते खुददार होते हैं अपनी मेहनत करते हैं अपनी मेहनत करते हैं ये दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपए कमा लेता है एक दोस्त के घर ये रहते हैं जो अब फोत हो चुके हैं ये तो इनके दोस्तों इसके उस दोस्त के बेटों का भला है इनके साथ एहसान है इन पर कि इन अपने दोस्त अपने अब्बू के मरने के बाद इनको इन्होंने घर से निकाला नहीं ये उधर रहते हैं सही है इस्लामाबाद में बरी इमाम में रहते हैं आप लोग जो है इस चाचा की हेल्प करें जिस लोगों को लगता है कि वो इस चाचा की हेल्प करना चाहते हैं माली इमदाद करना चाहते हैं वो कमेंट करें
मैं उनको इनका नंबर दूंगा, ख़ुद इनसे रابطہ करें, ख़ुद इनसे रابطہ करें और इनकी मदद करें। खुदा रहा इनकी मदद करें, बिल्कुल चुप चुप के तरीके से, ऐसे कि बस आपके दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। इन जैसे लोगों को देखें, इन लोगों को आप जो है तो इन लोगों को जाके मिलें, इनको गले लगाएं, सही है, इनसे इनकी और हिम्मत बढ़ती है। 72 साल की उम्र है, आराम की उम्र इनकी। मैंने जब इनसे पूछा कि आप बताओ, आप तो आराम से भीख भी मांग सकते हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हमेशा अपनी जो है तो मेहनत करूंगा, पहले भी मेहनत करता रहा हूँ, पहले ये कालीनों का काम करते रहे, ठीक है ना, मज़दूरी करते रहे, उसके बाद अभी की 3-4 साल हो गए ये अभी जो है तो अपनी मंजिल मजदूरी करें, ये 3-4 साल से ये एक ही साइकिल पे ये सब कुछ बेचते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों की जो है तो बात करें, ये वाकई हकदार हैं, ये वाकई हकदार हैं। आप देखें इन लोगों को, इन लोगों के चेहरे से, ये आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, ये अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, कभी भी आपसे कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोग इन लोगों की इमदाद करें, इन लोगों की इमदाद करें और इन लोगों की जो है तो इससे हौसला अफजाई होगी, और जैसे इन लोगों को देखें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, इमदाद करें। और हमारे चैनल को एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे कि और वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी, और इंशाल्लाह जो है अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।